सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। सो गाइस, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है 9 अगस्त और आज है वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस। तो इस खास दिन के मौके पर आज हम लोग जा रहे हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, जो कि रांची के बिरसा मुंडा पार्क में होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। तो ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है गाइस, तो कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में। और अभी देख सकते हैं मैं रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए, तो ऊपर से नीचे देख सकते हैं। तो अभी जल्दी से चलते हैं और मिलते हैं वही पार्क में, तो स्टे ट्यून। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी एंट्री कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, और अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं और हम लोग देखिए, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस, इधर देख सकते हैं हीरो का एंट्री हो रहा है। लेट से पहुंचा है हीरो नितेश, पहुंच चलो हैप्पी आदिवासी डे। देख रहा है कितना भीड़ है, और इधर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। यार लड़का पहुंच चुका है, जल्दी ही पहुंच चुका है, बहुत जल्दी। तो अब इसको घुमाते हैं सब तरफ और हम लोग भी घूमते हैं, चलो। तो इधर बॉयज ग्रुप को देख सकते हैं, इधर हमारा बॉयज ग्रुप पूरा फुल जोश के साथ डांस चल रहा है, और पूरा जोश जुनून के साथ पूरा यहाँ पे डांस चल रहा है, देख सकते हैं, और पूरा मजा लिया जा रहा है। मजा I'm not afraid of the dark.
गाइस देख सकते हैं यहाँ पर। कल्लू कैसे लग रहा है यहाँ पर आकर के? बहुत मस्त, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, इतना मस्त कि मत बोलिए। तो अभी यहाँ लोग पहुंच चुके हैं फूड काउंटर तरफ, देख सकते हैं इधर है डिश, बहुत ही खास मड़ुआ रोटी का पिज्जा है, मड़ुआ रोटी पिज्जा, मड़ुआ का पिज्जा है, ये मड़ुआ पिज्जा है, और मड़ुआ केक है, चलो मड़ुआ केक है, मड़ुआ पिज्जा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्टोर लगाया गया है और इधर का डेकोरेशन बहुत ही खास तरीके से किया गया है और इधर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हर तरफ भीड़ ही भीड़। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का फूड स्टॉल जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है डुस्का, यहाँ पे मिल रहा है डुस्का बड़ा जलेबी, गर्मा गर्म, जो आप यहाँ पे खाने का भी मजा ले सकते हैं लोग यहाँ पे। और यहाँ पे मिल रहा है मड़ुआ, ये क्या है, डुम्बू, यहाँ पे देख सकते हैं ये डुम्बू है और डुस्का और बहुत कुछ, और पूरा स्टोर खचाखच भरा हुआ है। तो इधर देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरा देसी बर्तन में आपको खाना परोसा जा रहा है और ये सजाने के लिए है कि बस ऐसे ही है, ये तो डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले के लिए इधर बेचने। और क्या है इसमें? रुगड़ा अचार। तो इधर देख सकते हैं रुगड़ा का अचार आपको मिलेगा और वो भी ये मिट्टी के बर्तन में शायद है, और इधर देख सकते हैं। तो इधर है लड्डू देख सकते हैं और ये है, ये क्या चीज का लड्डू है? चावल का लड्डू है, कसार है, कसार, इधर देख सकते हैं कसार है, जो कि शादी में जो असार में पैक है तो वही है ना, इधर देख सकते हैं जिसे कसार भी बोलते हैं। और ये क्या का बनता है? ये चावल का बनता है, अरवा चावल, अरवा चावल। और ये क्या है? ये मड़ुआ का लड्डू, चावल का लड्डू, देख सकते हैं मड़ुआ वाला लड्डू, मड़ुआ लड्डू, चावल लड्डू। तो आपको यहाँ पे वैरायटी वैरायटी टाइप के बहुत कुछ मिलेगा। और इधर आ जाओ, और इधर देख सकते हैं ये मैजिक मड़ुआ, मड़ुआ का केक। सो इधर देख सकते हैं मड़ुआ का मफिन जो कि मड़ुआ का केक है। और ये सारा चीज मड़ुआ से ही बना है। तो इधर आपको मड़ुआ केक, मड़ुआ लड्डू, मड़ुआ कुकीज, मड़ुआ ओट्स लड्डू, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए। सो इधर देख सकते हैं ये है गुंगू पत्ता का, देख सकते हैं इधर पूरा दीपक धान मिल गया है, एकदम बड़ी देरी के बाद अपना दर्शन दिया है का, ये भी सामने में रहता है, बगल ही जो बिल्डिंग दिख रहा है ना उधर रहता है, लेकिन आया है अभी अभी दर्शन क्या करेंगे दोस्त, बहुत कम दिखाई देता है, कभी भी आना जाना, अपना बालकनी से देख रहा था कि भीड़ हुआ है कि नहीं हुआ है, छत ऊपर से देख रहे थे मेरा, उधर देखिए छत टैक्स लगा के, कौन लचा था अबे
तो इधर है प्रदर्शनी स्वीर। तो अभी हम लोग इधर एंट्री करते हैं। हाँ, किधर है? तो इधर है पेड़ पौधा, सर क्या क्या है दिखाइए। गरुड़ा, ये अपना इंडिया का है ना? ये इंडिया का है, ये चाइना का है। अच्छा, ये स्टॉल किस लिए है? किस लिए क्या चीज़ को? सरकार के द्वारा एक योजना चल रही है उसके अंदर का जो हम कोर्सेज करते हैं के बदले इसमें लगाया गया। अभी नया मार्केट में आया है जॉब रोल, रोल टेक्नीशियन का, जिसमें हम लोग रोल सिखाते हैं, रोल फ्लाइंग करना, इंस्टॉलिंग करना, रिपेयरिंग करना, सारा इसमें कंप्यूटर भी सिखवाते हैं, सिलाई का भी कोर्स करवाते हैं। मतलब ट्रेनिंग देते हैं, ड्रोन ट्रेनिंग देते हैं। 3 महीने का कोर्स क्या हो रहा है, बोल रही है क्या? इधर देख सकते हैं कितनी क्यूट बच्ची भैया। बैग बड़ा हो जा रहा है क्या? अच्छा ठीक से पकड़ो पापा, ठीक से पकड़। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे मिले हैं हमारा RDX ब्रो से, जो कि मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी भाई यूट्यूबर है, तो यहाँ मिल के बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का माहौल तो और ही अच्छा लग रहा है, क्या भाई? और आप सबों को हम दोनों की तरफ से 9 अगस्त और हैप्पी आदिवासी दिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गर्व होता है कि हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, इसी जगह पे हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने अपना प्राण त्याग किया था। तो प्राउड फील होता है कि आज हमारा आदिवासी गठन, जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा पीछे बैक स्क्रीन पे, और पीछे भी देख रहे सिर्फ लाल पार साड़ी में, तो प्राउड फील हो रहा है कि इतने सारे आदिवासी आज हम लोग एक जगह पे जुड़े हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और अदर स्टेट से भी लोग आए हैं, तो भाई से हम मिले तो बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिल के अच्छा लगा हमें। तो चलिए फिर, और मिलते हैं आगे।
तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग बिरसा मुंडा संग्रहालय के अंदर आ रहे हैं और देख सकते हैं कितना भीड़ है। बहुत ज्यादा भीड़ है, पता नहीं क्या हम देख सकते हैं क्या दिखा रहा है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पार्क का ग्रीन ग्रीन ग्रास में बैठे हैं और मज़ा ले रहे हैं, क्या कि हम लोग बहुत थक गए हैं घूम घूम के। और जो जो नहीं आए हैं तो अभी समय है, आज तो चला गया, कल आ सकते हैं और क्या ही बोले, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ब्लॉग में जो जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ बोलो। और क्या, कल टाइम है आपके पास फ्री में घूमने के लिए जेल में, और बाकी दिन टिकट लगता है और यहाँ पे घास तक में बैठने नहीं रहता है बाकी दिन, ना दिमाग में याद रखें। तो फिलहाल के लिए बाय बाय। सो गाइस जब देख सकते हैं पूरा शाम हो चुका है और अभी भीड़ पूरा बरकरार है। फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। क्या हम तो बहुत घूम लिए, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर। हाँ जितना था वही इतना ही काम। लल्लू ये टोपी ट्राई कर रहा है जोहार ग्राम से। लल्लू मस्त लग रहा है यार। और जोहार ग्राम का फाउंडर से मिलते हैं, चलो अच्छा लग रहा है। अच्छा सो गाइस आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा और हम लोग तो यहाँ पे बहुत इंजॉय किए, बहुत घूमे फिरे डांस किए। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ से चलते हैं और जो जो ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।